Hey guys, so पहले तो we had a visit in a place called भगत का गांव. ऐसा आपको पता है कि कुलदेवी कुलदेवत एक ऐसे भगवान होते हैं जो कुल के भगवान होते हैं. तो ओके अभी जो जा रहे हैं वो आफ्टर मैरिज होने. सो या सो दैट्स समथिंग. अभी मैंने कुर्ता वर्ता पहन लिया एंड या अभी मेरे को सोच नहीं रहा है कुछ बोलने के लिए. तुम एक तो फर्स्ट थिंग फट्टे नींद आ रही है, बट थैंक गॉड कि चलाते वक्त मेरे को नींद नहीं आई बिल्कुल भी. सो बट आई केम हियर, आई स्लेप्ट फॉर लिटरली हाफ एन आवर, वापस एक पावर नैप लिया मस्त. एंड अभी विल लीव इन लाइक 10-15 मिनट्स, विल लीव फॉर. एंड मोस्टली आज का पूरा दिन इज अबाउट दर्शन एंड ऐसे ही सब होगा. फिर उसके बाद जडेश्वर करके यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे. बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है वहाँ से. सो श्योरली विल गेट इट, एक अच्छा व्यू ट्राई करूँगा कैप्चर करने का. बाकी तो यार आज पूरा पैक स्केड्यूल है. सो लेट्स होप कि यार मैं जगा रह पाऊँ. आई एम सो एफिन टायर्ड टुडे दैट थोड़ा एक घर दिखा देता हूँ. सो दिस इज माई, सो दिस इज माई फादर इन लॉज हाउस राइट नाउ. फादर इन लॉज फादर्स हाउस आई गेस. सो दिस इज द प्लेस. एक तो मुझे ना ये सब घरों का स्ट्रक्चर बहुत पसंद. आई लाइक हाउसेज, आई डोंट लाइक फ्लैट्स. पूजा का उल्टा है बिकॉज शी इज ऑलवेज स्टेड इन हाउसेज, शी लाइक्स फ्लैट्स एंड नो दैट्स द ऑपोजिट विच वी हैव. बट आई शो यू द हाउस. मोस्ट ऑफ द हाउसेज यार इधर एक ऐसा, ये दिस इज द बेस्ट थिंग, दे हैव दिस टू झूलास. इसको हिचका बोलते हैं ना, हिचका बोलते. सो या आई लाइक दिस. नीचे तो है ही, देन देयर इज फ्यू मोर रूम्स अपस्टेयर्स इधर. सो दैट्स वेयर वी गोना स्टे आई गेस. हम लोग जा रहे हैं जडेश्वर, रतन टेकरी उसको बोलते हैं. वाकानेर से 12 किलोमीटर है और वो जो शिवलिंग है वो कुछ बनाया हुआ नहीं है, स्थापित किया हुआ नहीं है. वो स्वयं प्रकट किया हुआ शिवलिंग है, वहाँ पे अपने आप वो स्वयं निकला हुआ है और बहुत वर्षों से उसकी पूजा हो रही है. हर श्रावण महीने के अंदर 400 ब्राह्मण रहने के लिए आते हैं और पूरा श्रावण महीना बहुत सारी भीड़ रहती है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और दोनों टाइम का खाना वाना सब ब्राह्मण को यहाँ भंडारे में दिया जाता है. ये जडेश्वर महादेव का महत्व बहुत है. आप कभी भी इस तरफ आओ तो वाकानेर से 12 किलोमीटर है, मोरबी से 30 किलोमीटर है और राजकोट से 50 किलोमीटर है. दिल पे काबू है मितवा. ऐसे नाचे जमीन सुहाना सफल और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं. रोलिंग ये रतन टेकरी जडेश्वर के नीचे की जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ हर श्रावण मास के अंदर सेकंड सोमवार के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है. महादेव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है. wow. कहाँ कहाँ से लोग मेले में आते, 50,000 से 1,00,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं. wow. नमः पार्वती, हर हर महादेव. मंदिर इज वेरी ओल्ड. As you can see that the whole maintenance of the mandir is not that good because most of the maintenance comes from the donations and the pujas which happen here. And for the last 2 years because of COVID the जो बहुत बड़ी बड़ी पूजाएँ थी वो नहीं हो पाई है. But still they have managed a pretty good job keeping the amount of people who visit here every day. So Gujarat was the most centered
state. That time it was not a state when the Mughals were there, when they kept on, you know, destroying the temples. इससे ये पता चलता है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत ली है हमने अपने आप को शाबूत रखने के लिए कि बाबा नहीं हे असंच आपल्याला करायचं आहे. आपण आपल्या श्रद्धांच्यावरती आपण नाही थांबलो. ही सगळी श्रद्धा ही लोकांचं, ही फक्त लोकांची श्रद्धा आहे की एवढी मोठी मोठी मंदिरं आजही चालू आहेत आणि यांच्यामध्ये 400 ब्राह्मण श्रावणात राहतात, जेवतात आणि त्यांचा पूर्ण खर्च मंदिरचा ट्रस्ट येते. आता आपण जाणार आहोत की जिथे म्हणजे पूजाचे ज्या आई वडिलांनी इकडे एक मंदिर बांधलंय साईबाबांचं, त्यांचं दर्शन घेऊया आणि जाऊया. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. तो मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है. लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा.